हाँ सर, सर वो आप लेटर पे सील लगा के साइन करके दे दीजिए। मैनेजर साहब नहीं आए, मैडम आए तो तो सर जो भी है आपके उसके अलावा जो भी है उनसे ब्लैंक पेपर पर दे दीजिए, कोई इशू नहीं। तुम लिख के दो पहले तो क्या कि मुझे सिक्के जमा कराने हैं। मैं देखता हूँ सर, लिख के ब्लैंक पेपर मिलेगा वो मैनेजर आएंगे तभी लिख के देंगे। ठीक है तो सर, हम अभी किस तरह आ, तो मैं क्या करूँ आप ये बताइए। मुझे नहीं पता ना, जब जगह नहीं हमारे पास कहाँ रखेंगे, हम अपनी जेब में घर थोड़ी लेके जाएंगे। तो सर अगर बैंक नहीं ले रही है, मार्केट नहीं ले रहा, तो मैं क्या करूँ आप ये मुझे बताइए। नहीं ले रहा ना सर, आप चल लीजिए किसी से, जिस भी दुकान में आप जाएंगे, मैं अगर एक सिक्का भी दे रहा हूँ मंदा मना कर रहा है, मैं क्या करूँ इस चीज़ में। भैया मैनेजर कौन है? मैनेजर तो बच्चे हुए दो। तो उनके अलावा कोई है हेड? उनके अलावा तो वही है जिनसे बात कर रहे हैं। हाँ तो उनसे आप बोल दीजिए मुझे रिटर्न में दे दें, आपकी सील वगैरह लगा के हम 10 के सिक्के नहीं लेंगे, तो मैं कलेक्टर जाता हूँ। ब्लैंक पेपर पर आपकी सील और सिग्नेचर कर दीजिए। बात वो तो बोल रहे हैं मैनेजर आएगा जब करेंगे, उसके अलावा जो भी हेड है उनसे आप देखिए। तो फिर सर मेरी किस्त आ जाए, आप मुझे बताइए कि मैं क्या करूँ। मेरी अगर किस्त ड्यू होती है, चेक बाउंस होगा, मुझे 900 रुपये की पेनल्टी भुगतनी पड़ेगी। तो आप सिक्के क्यों लेके आ गए? सर मुझे मेरे सिक्के दे रहा है तो क्या करूँ आप बताओ मुझे। सर चल नहीं रही है तो अगर बैंक नहीं लेगी तो हम कहाँ जाएंगे सर, ये बताओ ना। मार्केट में आप चल रहे हो मेरे साथ, एक भी दुकानदार नहीं ले रहा, उसको क्या बोलूँ मैं। आप बोल रहे हो अगर आरबीआई, अगर आप बोल रहे हो आरबीआई नहीं ले रही है, अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला था कि आरबीआई की चेस्ट ने मना कर रखा छोटे नोट सिक्के के लिए। वो मैं तो एक बात बता रहा था कि हमारे जो हम जहाँ भेजते हैं ना। ओके सर, मैं अभी वीडियो पूरी बना रहा हूँ तो इसमें आपकी आवाज़ भी है, सब कुछ है। मैं ही वीडियो बना रहा हूँ, इसमें है कि आपने बोला आरबीआई नहीं ले रहा है, आरबीआई की चेस्ट नहीं ले रहा है। सर मैं वापस रिकॉर्डिंग सुना सकता हूँ आपको, ये आपकी क्लिप है। अरे क्लिप करके क्या करोगे आप? जन्म मैं बता रहा हूँ, वो मैं तो डिपेंड नहीं कर रहा हूँ सर। हाँ मुझे बस रिटर्न में दिला दीजिए, कोई बात नहीं। हाँ कोई बात नहीं सर, आप मत लीजिए, कोई इशू नहीं है, आप मुझे रिटर्न में दे दीजिएगा। मैंने जो आएंगे वो देंगे ना हम। तो सर आप और कैशियर दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, क्योंकि ये बोल रहे हैं मैनेजर के बाद आप हेड हैं, आप दे दीजिए मुझे रिटर्न में आपके सिग्नेचर और साइन। सर अगर उसके बाद मेरा चेक लग गया तो मैं क्या करूँ ये बताओ। 900 रुपये की पेनल्टी लगेगी, 300 रुपये आपकी बैंक की और 600 रुपये फाइनेंस की, 1870 की मेरी किस्त है। ना आप रिटर्न में देना चाह रहे हैं कि हम नहीं लेंगे, ना आप ले रहे हैं। तो अभी रिटर्न में देने के बाद आप डिफॉल्टर हो जाओगे, क्योंकि बैंक लेती है, मना नहीं कर सकती बैंक किसी भी इंडियन करेंसी के लिए। देने के लिए मना नहीं कर रहे, जगह नहीं है ना। सर मैं फर्स्ट टाइम जमा कराने आया, मैंने आज तक आपके इसमें कोई एक भी कॉइन जमा नहीं कराया, आज तक एक भी कॉइन जमा नहीं कराया, पूरी डिटेल देख लीजिए मेरी। दस के सारे हैं सर, 2000 रुपये। सर मेरा अकाउंट सिर्फ यहीं पे है, उसके अलावा कहीं नहीं है। तो इस पे साइन कर दीजिए आप। बताइए सर आप क्या करना है, आप ले रहे हैं या आप लिख के दे रहे हैं, दोनों में से एक चीज़ जो भी। भैया लिख के मैडम आएगी तब देंगी, हम नहीं देंगे। कोई बात नहीं सर। सर कल मेरी गाड़ी की किस्त थी मोटरसाइकिल की, मैं बैंक ऑफ इंडिया में गया 2000 रुपये के 10 के सिक्के लेके। उन्होंने कैशियर ने और बाकी स्टाफ ने क्लियर मना कर दिया कि हम 10 के सिक्के नहीं लेंगे,
इस प्रक्रिया में पूरा उन्होंने ये भी बोला है कि आरबीआई ने मना किया हमारी चेस्ट ने कि 10 के सिक्के और छोटे नोटों के लिए हमें मना कर रखा, हमारे पास जगह नहीं है 10 के सिक्के रखने के लिए। जब मैंने उन्हें इस प्रक्रिया में रिटर्न में लिख के देने को कहा कि आप मुझे लिख के दे दीजिए कि आप 10 के सिक्के नहीं लेंगे, आपको आदेश है, तो उन्होंने ये कहकर टाल दिया कि हमारा मैनेजर नहीं है, जब मैनेजर आएगा तब आ जाना, लिख के ले जाना। और इस पूरी वीडियो बनाई थी मैंने फ़ोन में, उनको ये भी बोला है, जब मैंने ये बोला कि सर आपका वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, आपने बोला है आरबीआई ने मना किया है, तो उन्होंने बोला कि ये हम जर्नली वे में बोल रहे हैं। और उसके बावजूद कई प्रयत्न करने के बाद जब मैंने बोला ठीक है आप 2000 नहीं 1000 के सिक्के जमा कर लीजिए, उसके लिए भी उन्होंने क्लियर मना कर दिया कि हम बिल्कुल भी सिक्के जमा नहीं करेंगे। आपका मेरा नाम अमन है सर, और पुष्कर रोड ब्रांच में मेरा खाता है, और वहीं से मेरे हर महीने किस्त कटती है। बैंक ऑफ इंडिया है, पुष्कर रोड ब्रांच है। आज तक मैंने अभी एक भी सिक्का जमा नहीं किया था, फर्स्ट टाइम मैं सिक्के लेके गया था उस बैंक। आपका नाम? अमन सिंह राणावत। आपका नाम?